हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर अर्नी। कैसे आप सब? सो आज की वीडियो जो है वो मेकअप रिलेटेड वीडियो है, टीनेजर्स के लिए स्पेशली, कि टीनेज गर्ल्स कैसे अपना मेकअप बहुत ही ज़्यादा इजीली और लाइट वेटेड मेकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन यूज़ किए कैसे हम मतलब नॉर्मल और ईजी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, या आपका बर्थडे हो या कुछ भी हो, मतलब नॉर्मल अगर कुछ फंक्शन हो, ऐसा कुछ जाना आपको कहीं, तो कैसे टीनेज गर्ल्स ईजिली लाइट मेकअप यूज़ करके हैवी मेकअप किए बिना कैसे ब्यूटीफुल लग सकती हैं और कैसे अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकती हैं, वो आज इस वीडियो में मैं दिखा रही, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करके, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करके कैसे हम अपना मेकअप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है। सो चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे करना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को रैप कर लूँगी, वरना मेरे हेयर्स जो है मुझे मेकअप करने टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले अपने हेयर्स को अच्छे से रैप कर ले रही हूँ। नाउ अब मैं अपने फेस पर पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर अप्लाई करूँगी। गाइस, प्राइमर जो होता है वो हमारी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, और टीनेज गर्ल्स जो होती हैं उनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ऐसे में प्राइमर जो है कॉस्टली बहुत आते हैं और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम पतंजलि के सौंदर्य एलोवेरा जेल को मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ एज ए प्राइमर। अब मैं अपने फेस पर पॉन्स की बेबी क्रीम अप्लाई करूँगी। बेबी क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और लाइट मेकअप लुक देता है, इससे हमारा मेकअप जो है एकदम नेचुरल लुक आता है, नेचुरल मेकअप का हमारा। बेबी क्रीम को मैक्सिमम अमाउंट में लेकर के अब अपने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेंगे, जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत है अपने डार्क सर्कल्स पे जो थोड़ा सा ज़्यादा करके अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे डार्क सर्कल्स अच्छे से हाइड हो जाएं। बेबी क्रीम को हम अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो फेस है और जो नेक है दोनों इक्वल लगे। देन गाइस, अब हम एक वीडियो ब्लेंडर लेंगे और उसे अच्छे से वाटर में डिप करके निचोड़ का जो वाटर है उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, एंड उसके बाद हम उससे अपने पूरे फेस पर डैब डैब मोशन में अपने मेकअप जो हमने बेबी क्रीम अप्लाई की है उसे सेट करेंगे, एकदम डैब डैब करके, हम स्वाइप करके नहीं करना है, उसे हमें डैब डैब करके ही अप्लाई करना है, इससे हमारा जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आता है, केकी नहीं होता है हमारा मेकअप। सो गाइस, आप देख सकते हो कि बेबी क्रीम से हमें कितनी ज़्यादा नेचुरल कवरेज मिली है। इसके बाद मैं अपने फेस पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूँगी, जिससे बेस जो है हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं ब्लू हेवन की आईलाइनर से बहुत ही सिंपल सा आईलाइनर लुक क्रिएट कर रही हूँ अपने आईज पर, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल।
लुक। गाइस मैंने इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है टीनेज गर्ल्स के लिए, क्योंकि टीनेज गर्ल्स इतने ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर सकती हैं, इसलिए एफोर्डेबल प्राइस में ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं लिपस्टिक में एड्स की पिंक कलर की बहुत ही नेचुरल सी पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिप्स पर बहुत ही प्यारा सा शेड है। गाइस इसे मैं एज ए ब्लशर भी अपने चिक्स पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके एकदम जरा सा डॉट डॉट करते हुए अप्लाई करूँगी और ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत ही अच्छा सा लुक आए। सो गाइज यहाँ पर जो मेरा मेकअप है वो हो चुका है डन और अब मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, मेरा मेकअप लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो से हेल्प मिला हो आप लोग को ज़रा सा भी और हेल्पफुल हुई वीडियो आप लोग के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ही जाइएगा ताकि ऐसे न्यू नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों को मिलती रहे। सो अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।